परम अवतार श्री कृष्ण। दादाजी एक ही इच्छा है, हमें हमारे जन्मोत्सव के उपहार में वही चाहिए जिससे आप सबसे अधिक प्रेम करती हैं। काकी राधा को काना चाहिए। नंद बाबा वो गोकुलवासी। गोकुलवासियों को क्या हुआ? गोकुलवासियों पर भारी संकट आया है, सबके जीवन संकट में है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मारो, मारो! जाओ निमंत्रण भेजो अपने भूतपूर्व महाराज वसुदेव को मल्ल युद्ध का भगवान कंस के साथ। सूर्यास्त होने में कुछ ही समय बचा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। प्रभु सूर्यास्त का समय हो गया किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज धरती का सूर्य नहीं अपितु धर्म का सूर्य डूबने वाला है। किसी भी गोकुलवासियों का रोग ठीक नहीं हुआ। आप लोग सोच क्या रहे हैं? लाइए दीजिए हमारा उपहार, हमारा कान्हा, नहीं तो हम जा रहे हैं बरसाना में। चलो माफी। प्रभु रोकिए देवी राधा को। प्रभु यदि आज देवी राधा गोकुल छोड़कर चली गई, तो सदा के लिए कान्हा से दूर हो जाएंगी। महारानी ये गुप्त मार्ग सीधा कंस के महल के नीचे से होता हुआ यहाँ महाराजा वसुदेव और महारानी देवकी के कारागार तक पहुंचता है। किंतु अक्रूर जी मुख्य कारागार के पूर्व यहाँ कारागार के रक्षक सैनिकों का पहरा होगा। उसकी चिंता आप मत कीजिए महारानी, उनको हम संभाल लेंगे। किंतु इससे पूर्व की कंस को सूचना हो महाराजा वसुदेव और महारानी देवकी को लेकर कारागार से निकलना होगा। अक्रूर जी इस दिन के लिए हमने वर्षों से प्रतीक्षा की है। आज संसार की कोई भी शक्ति हमारा मार्ग नहीं रोक सकती, चाहे जो हो। आज हम महाराज वसुदेव और देवकी को कंस के नर्क से मुक्त करवा कर ही रहेंगे। जय मां भवानी। जय मां भवानी। जय मां भवानी। जय मां भवानी। मैया तुम रो रही हो। मैया कान्हा तुझे झूठी चिंता दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। आज मैं समझ गई कि तू अपनी मैया से कितना प्रेम करता है। मैया मैं तो केवल तुमसे ही प्रेम करता हूँ क्योंकि मैं अपनी मैया का लल्ला हूँ। झूठ। सच मैया बोलो ना मैया तुम क्यों रो रही हो। कान्हा मैंने तुझे जन्म दिया, दुनिया में सबसे अधिक प्रेम मैं तुझसे करती हूँ। पूरा दिन माखन की मटकी लिए तेरे पीछे पीछे घूमती रहती हूँ और तूने एक ही क्षण में अपनी मैया को पराया कर दिया, एक ही क्षण में स्वयं को राधा को सौंप दिया। और हम जहाँ जाते हैं सब हमें ही देखते हैं। और राजा आप राधा को नहीं राधा के श्रृंगार को देखिए। राधा बिटिया किसने किया है तुम्हारा इतना अनूठा श्रृंगार? और कौन करेगा काकी? आपके नहीं 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 हमारे कान्हा ने। हमने कहा कान्हा से कि हम राधा है, हमारे बाबू के पास 1,00,000 गया है इसलिए हमारा सिंगार भी वैसा ही होना चाहिए। कहो कैसा है राधा का सिंगार? लाखों में एक। काकी हम राधा हैं। जब हम हंसते हैं तो सब हंसते हैं, किंतु जब हम नहीं हंसते तो कोई नहीं हंसता। तो आप लोग क्यों हंस रहे हैं? आओ मैं बताती हूँ राधा बिटिया, तुम स्वयं ही देख लो राधा कि सब लोग तुम पर क्यों हंस रहे हैं।
आइए महारानी, आइए। रोहिणी दीदी, तुम पुनः अपने जीवन को संकट में डालकर यहाँ, तुम यहाँ क्यों आई हो रोहिणी? आपको मुक्त करवाने आई हूँ महाराज। मुक्त? मैं सत्य कह रही हूँ महाराज, इतने वर्षों के प्रयासों, इतने संघर्षों के बाद कंस के कारागार से बाहर जाने का गुप्त मार्ग हमें मिल गया है महाराज। क्या रोहिणी, किंतु किंतु कैसे? महाराज, सभी बातों का ये उचित समय नहीं है महाराज, आप शीघ्रता कीजिए, हम मार्ग में आपको सब बता देंगे। चलिए। सुना तुमने, देख के धर्म की जीत हुई, अब यह धर्म की काल कोठरी हमें और नहीं रोक सकती। चलो देव की, चलो। देव की तुम रुक क्यों गई? क्या हुआ देवकी? हमें अवसर गवाना नहीं चाहिए, शीघ्र चलो देवकी। क्षमा कीजिए महाराज, आप जाइए, मैं नहीं आऊंगी। ब्राह्मण देव, आसन ग्रहण कीजिए। ठहरो नंदरानी, हम यजमान के हाथों से सीधे अपने हाथों में भोज ग्रहण करते हैं, ये ब्रह्मश्री का नियम है, हमें भोज दो। जी। मुझे जो चाहिए था वो प्राप्त हो गया। मने भरी पंचायत में और इस गांव के सामने यो बोला था कि यो छोरी आज ते ही मारे लिए मर गई है। हमने जो सबके सामने प्रण लिया था उसे यूं ना तोड़ सकते, इस घर में हमारी छोरी के लिए कोई जगह ना सह। रिंकी, तुम्हारे को सच सच पता, तेजी जी आने वाले हैं ना? मन ने तेजी ने कहा कि वो बस स्टैंड ना आ पाएगा तुझे लेने। आज ही मैं प्रज्ञा से बात करूंगी कि वो दोनों भाइयों से बात करे, उन्हें समझाए। अभी ना वो दिल्ली में, अभी तुझको दिल्ली बुला रहा है। मैं बहुत जल्दी यहाँ से निकलती हूँ, मैं समय पे पहुँच जाऊँ। मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ, सिर लगा के खड़ा हूँ यहाँ पे आपकी, कि आप आएंगी, मैं आपको टैक्सी में बैठाऊंगा, आपको लेके जाऊंगा। कम ऑन भाभी जी। ठीक पा। आई बैठ, कम ऑन। तुमने सुना होगा ना कि भभूति जी आजकल टैक्सी ड्राइवर बन गए हैं। हाँ तो बेटे, उनकी टैक्सी जो ऐसी खराब करनी है कि दुनिया का कोई भी मैकेनिक उसे ठीक ना कर पाए। एक बात काम करके सुन लो, हम अपने सूलन के साथ ना गद्दारी नहीं कर सकते। कहाँ खड़ी करते विभूति भैया अपनी टैक्सी? तुम्हारे इस फैसले का असर दो परिवारों पर पड़ रहा है, और अगर परिवार की बात जाने भी दो तो कम से कम विशु के बारे में तो सोचो। अब हम पापा और बाबूजी का क्या करें? देखा जाए तो वो भी अपनी तरफ से गलत नहीं बोल रहे। अरे, कानून के देवता भी आए हैं। वकीलों बाबू लिपस्टिक लगाने लगे आजकल। लिपस्टिक? अरे नहीं नहीं नहीं, वो बस दाग रह गया। तो जरा ध्यान रखा कीजिए ना वकील साहब। भाभी जी के बाद इस घर में मैं बड़ी हूं मासा, इसलिए तिजोरी की चाबी मेरे पास होनी चाहिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको अगर घर वालों में से किसी ने देख लिया तो? मुझे कोई देखे या ना देखे, लेकिन मेरा तुम्हें देखना बहुत जरूरी था। सुन, वैसे तुमने रणवीर के साथ कुछ किया तो नहीं ना? मेरी सुम्मी अब तक सिर्फ मेरी ही है ना? तुमने खाना खाया क्या? देखो, मैंने मम्मी जी के विश्वास के लिए व्रत रखा है,
और वैसे भी हम दोनों ना झूठों के लिस्ट पे टॉप पे, तो एटलीस्ट एक काम तो सच्चाई से करना चाहिए ना। एक सच्चाई वाला काम करने से पिछले सारे पाप तो नहीं धुल जाएंगे ना। तू मीरा को परेशान करना बंद कर दे वरना तेरी परेशानी बढ़ जाएगी। अच्छा तो अब समझ में आया। अरे क्यों मजाक कर रहे हो आप यार? अच्छा बताओ कौन बोल रहा है? ओ तो तू इसे हंसी मजाक की बात समझ रहा है? देख सीधी तरह से समझ जा, अगर तूने मीरा को और परेशान किया ना तो ध्यान रखना अंजाम बहुत बुरा होगा। दारी जी, वो हम बगीचे के लिए कुछ नए पौधे लाए, आप चलकर देख लीजिए कौन से कहाँ लगाने। ठीक है मैं अभी खा रहा हूँ, मैं आता हूँ, तुम जाओ। देखा आपने, एक बात के पीछे पड़ता है तो बस पड़ ही जाता है, हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है ये। रखना जरूरी है क्या इसे? इसे पैसा देकर हटा देते हैं ना। आराम से। आपने तो अपने ही घर में छुपा दिया। काम हो गया? हाँ वीर जी काम तो हो गया, बस सुबह होने का इंतजार है और पंचायत के सामने उस चंद्र का भांडा फोड़ देंगे। ये अच्छा किया तुम लोगों। सिमर दीदी ठीक है ना? आपके पास ही है ना वो? हाँ, वो मेरे पास ही है।